बड़े नेता को आया हार्ट अटैक। लोकसभा चुनाव नजदीक है, सभी पार्टियों ने कमर कस ली है, चुनावी गहमागहमी जोरों पर है। उम्मीदवारों का ऐलान लगातार किया जा रहा है। पहले चरण में मतदान के लिए नामांकन भरे जा चुके हैं, लेकिन पश्चिमी यूपी के बिजनौर में हादसा हो गया जिससे खलबली मच गई। कांग्रेस प्रत्याशी द्वारा पर्चा भरने के दौरान पूर्व एमएलसी को दिल का दौरा पड़ गया, जहां उन्हें मेरठ मेट्रो अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मिली जानकारी के अनुसार सोमवार को बिजनौर लोकसभा सीट के कांग्रेसी प्रत्याशी नसीमुद्दीन सिद्दीकी और नगीना प्रत्याशी ओमवती नामांकन करने पहुंचे। इस दौरान कांग्रेस के भारी संख्या में समर्थक मौजूद रहे, जिसकी वजह से पुलिस ने कुछ समर्थकों को पुलिस चौकी के पास रोक दिया। वहीं पर नसीम पठान को भी रोक दिया गया। पर्चा दाखिल करने के लिए उम्मीदवार और प्रस्तावक तो चले गए, लेकिन वही अचानक नसीब पठान को सीने में दर्द उठने लगा, जिसके बाद जल्दबाजी में उन्हें बिजनौर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने बताया कि उन्हें दिल का दौरा आया है और उन्हें तुरंत मेरठ रेफर कर दिया गया। उनकी हालत में अब सुधार है, अभी उनकी हालत स्थिर बनी हुई है। तो एमएनएस न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से एमएनएस इंडिया ऐप डाउनलोड करें और इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। We'll be right back.